आपको खाना बनाना पसंद है? अगर पसंद है तो ये जो हुनर है आपका, जो क्वालिटी है, इसको आप एक बेहतरीन प्रोफेशन के साथ जोड़ सकते हो, वो है मर्चेंडरी, मतलब मेरिन कुक आप कैसे बन सकते हो। चलो सीधी सी बात करता हूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरिन कुक आप कैसे बन सकते हो, या फिर जो COCS कुक है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में बताने वाला हूं, CCNC कोर्स है जो मेरिन कैटरिंग का कोर्स है उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं यहां पे देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, इधर उधर मत देखिए, सीधा देखिए एंड एक गाना सुन लीजिए पहले। तो मेरिन कुक बनने के लिए इसका कोर्स आपको करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्स होता है जो CCNC के नाम से जाना जाता है, फुल फॉर्म पीछे आपको रोल होते हुए देख रहा होगा। एंड ये जो कोर्स है इसका एलिजिबिलिटी है 10th पास, 10th अगर पास आप होते हो तो आप एलिजिबल हो, साथ में जो आपका 40% इंग्लिश में मार्क्स होना चाहिए। एंड इसका कोर्स फी अराउंड 2 लाख होता है, अराउंड 2 लाख। अभी अगर ये वीडियो आप 4 साल बाद देख रहे हो तो मुझे नहीं पता कितना हो गया होगा, बट अभी के जमाने में 2 लाख आसपास होता है। ये कोर्स करने के बाद जॉब आपको कैसे मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अच्छी कॉलेज से करते हो, जैसे आपका TS रहमान हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, या फिर लूसी मेरिटाइम एकेडमी, अगर ये एकेडमी आपको कोर्स ये करा रहा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे अगर करा तो प्लेसमेंट की बंदोबस्त यहाँ से हो जाता है, बाकी कोई कॉलेज का गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो अगर आपका मेरिन कुक बनना है तो ये एक ऑप्शन है, CCNC का कोर्स करो, 6 महीने का कोर्स होता है, कोर्स करने के बाद आप शिप पे जा सकते हो अगर प्लेसमेंट मिल जाए तो, या फिर आप GP रेटिंग का कोर्स आते हो, ये पुराना जमाने का बात मैं कर रहा हूँ, पहले क्या होता था GP रेटिंग ही होता था, मेरिन कैटरिंग का मुश्किल से मिलता था, GP रेटिंग का कोर्स करके भी GS में हम लोग जाते थे, मतलब जनरल स्टीवर्ड इसमें जाते थे एंड उसके बाद प्रमोशन लेते थे। ओके अभी क्या हो गया, अगर कोई अच्छी कंपनी में आप जाते हो तो CCNC का कोर्स मस्ट है, मतलब वहीं से आपको उठाएगा। आप अगर आप GP रेटिंग कोर्स करते हो तो GP रेटिंग का अलग कोर्स होता है, वो सीमेंसिप होता है, लेकिन इसका सीमेंसिप से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक STCW आपको सबको सीखना होता है वो। लेकिन अगर GP रेटिंग का कोर्स करते हो तो वहाँ पर सीमेंसिप सिखाया जाता है, लेकिन अगर मेरिन कैटरिंग का कोर्स करते हो तो वहाँ पर खाना कैसे बनाया जाता है, अलग अलग खाने का डिमांड क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बताया। तो अलग अलग कोर्सेस है, अलग अलग प्रॉस्पेक्ट्स भी है, अलग अलग कारण भी है। तो इसके लिए आपको अगर अच्छी कंपनी में जाना है अभी के जमाने में तो GP रेटिंग करके GS में मत जाओ, अगर आपको कुक बनना है तो आप CCNC का कोर्स करो देन कुक बनो। तो अगर आप GS बन गए उसके बाद 24 मंथ्स का टोटल सेलिंग एक्सपीरियंस का चाहिए, उसके बाद आप COC एज कुक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि COC एज कुक या फिर जो कुकर सर्टिफिकेट है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना जो गूगल क्रोम है या फिर मोजिला फायरफॉक्स अगर आप यूज करते हो, ये साइट के लिए बेहतर होता है, तो आप यूज करो। देन आपका जो DHCPing के सर्च करो, यहाँ पे जो लिंक मिलेगा वहां पे जाके ई गवर्नेंस आपको क्लिक करना है। तो ई गवर्नेंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ई गवर्नेंस के अंडर ई गवर्नेंस में क्लिक करना है, तो आपका ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड आप दे दो, आपका जो लॉगिन है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, एंड देने के बाद आप लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपना नाम, एंड यहाँ पे जो CDC मैनेजमेंट एंड COC एज कुक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सबमिट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, नीचे आके कुकरी सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे आपको नाम वाम वगैरह दिखने को मिलेगा, मेरा नाम दिख रहा है, मैं कवर कर दिया जाए, आप लोग चुरा ना लो मेरे नाम को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो जनरल इंस्ट्रक्शन, अगर आप CDC रिप्लेसमेंट या फिर रिन्यूअल कराते हो तो सेम प्रोसेस से होता है। तो मेरा दूसरा वीडियो है वहां पे, अगर थोड़ा सा डाउट हो यहाँ से लेके तो वो कर लीजिए, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं करो। तो एड्रेस पे अगर क्लिक करते हो तो नीचे यहाँ पे एड्रेस आपको पुट करना है। ट्रेनिंग डिटेल्स में देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग आप कर सकते हैं तो कुक बन सकते हैं, जो नेसेसरी कोर्स है। तो कोर्स देखिए पहले प्रीसी ट्रेनिंग फॉर सैलून रेटिंग, ये भी आपका जैसे मैंने बोला कि GP रेटिंग कर सकते हो या फिर ऐसे सैलून रेटिंग का कर सकते हो। नीचे सर्टिफिकेट कोर्स इन मेन कैटरिंग आप कर सकते हो जो अभी नया अपडेटेड है, इसको छोड़ के नीचे मतलब इसका सेंटर में 2 कोर्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, एंड ये जो है ये BSc मेरिटाइम हॉस्पिटलिटी स्टडीज एंड 3 ईयर का एक कोर्स है, ये सब आप कर सकते हो, शायद क्रूज के लिए होगा, लेकिन ऊपर नीचे जो कोर्स है वो आपके लिए काफी है। एंड ये फीस डिटेल्स में आप देख सकते हो, आपको 500 रुपया लगेगा ये एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। अटैच डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज कर लो एंड देख लो क्या क्या आपको एप्लीकेशन में डालना है, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी थक जाओगे, निकल जाओगे वीडियो से, है ना। तो ऊपर आते हैं थोड़ा सा,
एंड यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फी वगैरह कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं देखो पहले मैं CDC रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल किया था उसका एप्लीकेशन है। अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हो तो नंबर 3 बन के और एक रो आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स मिलेगा। ये सिमिलर बेसिस पे जैसे आपका CDC रिप्लेसमेंट एंड CDC रिन्यूअल है सेम ही प्रोसीजर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको COC एज कुक अप्लाई करना है एंड 24 मंथ्स का सेलिंग एक्सपीरियंस चाहिए आपका, उसके बाद ही आप COC एज कुक ले सकते हो। एंड COC एज कुक लेने के बाद ही आप चीफ कुक बन सकते हो, ये गलतफहमी मत आइए, क्योंकि चीफ कुक बनना एक अलग चीज होता है। वो आपका खुद का हुनर एंड कंपनी का सेटिस्फेक्शन एंड जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा कैप्टन से उसके ऊपर ही बेस्ड करता है कितने जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा GS से लेके या फिर सेकंड कुक से लेके चीफ कुक। तो मेरा जो दूसरा वीडियो है चीफ कुक के बारे में या फिर कुक्स के बारे में वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो उस पर थोड़ा सा और जानकारी मिल जाएगा। तो अभी तक अगर वीडियो पसंद आए, मतलब अगर लगता है कि यार वीडियो में दम है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।